सबसे पहले मैं रियलिटी शो के बारे में बोलना चाहूंगा ये रियलिटी शो मतलब कॉमेडी शो सिंगिंग का जी। हाँ वो क्या रहा है ना कि ये जो सिंगर्स हैं ना ये लोग प्रोडक्ट हैं एक अब समझो जी। ये लोग प्रोडक्ट हैं एक इन लोगों को बेचा जा रहा है हर साल हजारों सिंगर्स आ रहे हैं जी। गा रहे हैं और चले जा रहे हैं फ्रस्ट्रेशन लेके चले जा रहे हैं इसमें इन लोगों का कुछ करियर नहीं बन रहा है सच में किसी का नहीं बन रहा है शायद एक दो गिने चुने बन रहा है उनको देख के सब लोग दौड़ रहे हैं मुझे भी बनना है स्टार टीवी में आना है तो रियलिटी शो से अगर कोई स्टार बन जाते थे ना तो जो बॉलीवुड वाले जो फिल्म बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम का जो फिल्म है उधर वो चार सिंगर छः सिंगर ही काम करते हैं ये रियलिटी शो वाले को नहीं लिया जाता है पर बहुत बड़े बड़े स्टार रियलिटी शोज शो में आते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं क्या बात क्या गाए हो क्या हो एक काम देके दिखाओ ये बच्चे को बिल्कुल इतना तारीफ जब कर रहे हो एक काम देने का तुम तुम लोग का क्षमता नहीं है ठीक है और कोई है बाई चांस अगर काम मांग भी लिए तो मतलब क्या बोलूं तो एक काम नहीं दे सकते हो आप क्या बात बोल रहे हो क्या बात बोल रहे हो क्या गाए हो क्या हो। इतना कुछ कर रहे हो तो ये बेकर एक प्लेटफॉर्म है जो लोग गए हैं गिने चुने वन परसेंट परसेंट में नहीं आएंगे एक कुछ लोग सक्सेस मिला है वो लोग अगर रियलिटी शो, रियलिटी शो में नहीं भी आते थे ना फिर भी उन लोगों को सक्सेस मिलता था पर उनको देख के के एक सब लोग दौड़ रहे हैं रियलिटी शो के लिए और वो लोग एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ये बिजनेस है ये शो नहीं है क्योंकि सिंगिंग शो नहीं है इधर से ना सिंगर्स आएंगे सामने ना अच्छे म्यूज़िक uh, का कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है इससे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं पाँच साल छः साल के जो रियलिटी शो के विनर्स बन जाते हैं उसके बाद पाँच साल दस साल दिखते ही नहीं था उन्हें काम भी नहीं मिलता इस पर कुछ बोलना चाहोगे देखिए मैं देखा हूँ बहुत बच्चे लोगों को रियलिटी शो में आ, आते हैं गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये सिंगर्स ये लोगों को एक्चुअली ये लोग देखे भी नहीं जिंदगी अच्छा गाते हैं शायद जेनेटिकल हैं म्यूज़िक हैं उन लोगों के जिनमें तो गा देते हैं पर ये लोग देखे भी नहीं ज़िंदगी स्टार तो बन गए पर उनको समझ में नहीं आ रहा है एक आठ साल के बच्चे को क्या समझ में आता है छः साल के बच्चे को क्या समझ में आता है ज़िंदगी भी देखे नहीं कुछ भी देखे नहीं सामने आ जाते हैं लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए पर वही बच्चा जब उसका वॉइस चेंज होता है चौदह साल सोलह साल के बाद जब वॉइस चेंज होता है वो वॉइस कहाँ जाएगा हम लोगों को मालूम नहीं वो बच्चे को भी मालूम नहीं तो वो बच्चा जब फेम देख चुके हैं दस साल में उसके बाद जब उसका बीस साल पच्चीस साल उम्र होगा जब सच में उसको इंडस्ट्री में काम करना है तब उसको कोई पहचानेंगे नहीं, नहीं तब उसके दिल में क्या लगेगा अरे भाई मैं तो पूरा यूरोप घूम के आया हूँ पूरा वर्ल्ड घूम के आया हूँ शोज किया हूँ ये किया हूँ वो किया हूँ आज देखो मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है क्योंकि अगले साल फिर से कोई बच्चा जा रहा है उसके अगले साल और भी एक बच्चा स्टार बन जा रहा है क्योंकि ये तो चल रहा है ना ये तो बिजनेस है एक तो ये तो प्रोडक्ट है बच्चा ये तो वो तो प्रोडक्ट है वो तो बिजनेस है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए तो मैं तो बोलूँगा सीधा बोलूँगा आपका बच्चा जितना भी अच्छा गाए ना ये सब रियलिटी शो में लेके ही मत जाओ बच्चे का करियर अगर प्यारा है तो जी लेके ही मत जाओ सिंपल वो दो दिन का ये है वो आपको आ, चमक दिखेगा उसके बाद आप आप लोग बच्चे का करियर बर्बाद कर रहे हो सिंपल एक सीधा सवाल आपसे आज की जो इंडस्ट्री है इसमें सिर्फ पैसे वाले बड़े घर के लोग ही म्यूजिक बना सकते हैं आपको लगता है कि कोई भी आ सकता है जैसे कि मीडियम क्लास हो मिडिल क्लास लोग हो एकदम नहीं मैं ऑलरेडी आप लोग बोल चुका हूँ कि व्यूज़ के ऊपर सिंगर मतलब आज के ज़माने का जो ऑडियंस है ना वो भी चेंज हो गए वो देखते हैं कि किसका व्यूज़ ज़्यादा है किसका कॉमेंट ज्यादा है लाइक कितना ज़्यादा है अरे कॉमेंट भी खरीदा जाता है व्यूज़ जैसे खरीदा जाता है ना लाइक्स कॉमेंट भी खरीदा जाता है तो एक गाँव से कोई आए सिंगर बनने के लिए उसका रोजी रोटी करना ही मुंबई में बॉलीवुड में एक स्ट्रगल है बहुत स्ट्रगल है वो व्यूज़ प्रमोशन में क्या पैसा लगाएंगे वो तो पूरा जीवन भर बाइक में ही चलेंगे बाइक में ही चलेंगे भाई मुझे कुछ मिलेगा मुझे कुछ मिलेगा चांस देंगे वो देंगे अरे कोई चांस नहीं देने वाले हैं चांस उनको ही मिलने वाला है जो इकट्ठा प्रमोशन में पैसा लगाएंगे जी हाँ कुछ बड़े कंपनीज हैं मुझे भी अप्रोच करते हैं बोलते हैं आपका गाना हम रिलीज़ कर देंगे प्रमोशन में कितना पैसा लगाओगे मतलब हम प्रमोशन में लगाएं अपना गाना हम ही प्रमोशन में लगाएं तो हम ही अपने चैनल से लगाएंगे ना उनके चैनल से क्यों लगाएंगे गाना बिल्कुल तो गाना ऐसा हो गया कि ये इंडस्ट्री ऐसा हो गया कि बड़े लोगों के लिए है और जो गरीब है वो प्लीज़ प्लीज़ म्यूज़िक इंडस्ट्री में और मत आओ पहले ठीक था अभी मत आओ अगर आपके पास 20-50 लाख रुपया है आप अच्छा गाते हो तो ही इंडस्ट्री में आओ नहीं तो आप ये इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज अब नहीं तो आपको पीछे पीछे वही आपको दिलासा दिया जाएगा बस पीछे पीछे घूमते रहोगे म्यूजिक डायरेक्टर्स के कुछ नहीं होने वाला है